हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एडुकेशनल गुरु। एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, और वो ये है कि मैंने आप लोगों के लिए एक ऐप रेडी किया है जिसमें आप लोगों को हर एक चैप्टर से रिलेटेड उसके इंट्रोडक्शन, शॉर्ट समरी, मॉरल, थीम, कैरेक्टर स्केच, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मच मोर आप लोगों को वहां पे एक ही ऐप में मिल जाएंगे। मैंने इस ऐप को अभी तक प्ले स्टोर पे पब्लिश नहीं किया है, बस आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों को ऐप चाहिए तो मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ऐप के लिंक दे दूंगा, या मैं उसका नाम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पे सर्च करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप रिव्यू देना ना भूले, सो दैट आई कैन हेल्प यू इन मच बेटर वे। के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9 बीहाइव का चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव के बारे में। तो क्या कभी भी दोस्ती और प्यार हो सकता है एक एनिमल और ह्यूमन बीइंग के बीच में? तो आज हम लोग हार्ट टचिंग कहानी पढ़ने वाले हैं अबाउट अ बियर भालू के बारे में, जिसे खुद ऑथर ने बचाया था। तो ऑथर अपनी कहानी शुरू करते हैं ब्रूनो के साथ, जो एक आलसी भालू होता है जिसे ऑथर की वाइफ एज अ पेट रखती है। तो कहानी 2 साल पहले की है, जब वो लोग शुगर कैन फील्ड में मैसूर, जो मैसूर के नजदीक था, वहां से गुजर रहे होते हैं, और वहां के लोग जंगली सुअर को मार के खेतों से भगा रहे थे। कुछ सुअर तो मारे जा चुके थे और कुछ भागने में सफल रहे। तो फिर ऑथर को लगा कि हाँ, अब सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। तभी एक ब्लैक स्लॉथ बियर इतनी गर्मी में बाहर निकल आता है एकदम हाँफते हुए। तो उस बियर को देख वो ऑथर सोचते हैं कि वो उस छोटे से बियर को शूट नहीं करेंगे, लेकिन उनके जो दूसरे साथी थे उन्हें ऐसा नहीं लगा और उन लोगों ने तुरंत उस बियर को शूट कर दिया। तभी उन लोगों ने देखा कि एक बेबी बियर जो अपने मॉम के बॉडी पे था वो पीछे हट जाता है जैसे ही उसकी मदर को गोली लगती है। अब वो छोटा सा बेबी बियर अपने मॉम के डेड बॉडी के चारों तरफ घूमकर रोने वाली आवाज निकालता है। तभी ऑथर तुरंत उस बेबी बियर को पकड़ने के लिए उसके तरफ भागे, लेकिन वो बच्चा शुगर केन के फील्ड में भाग गया। लेकिन अपने साथियों के हेल्प से ऑथर ने उस बेबी बियर को पकड़ लेते हैं। तभी वो बेबी बियर अपने आप को फ्री करने की कोशिश करता है ऑथर के हाथों से और उन्हें अपने पंजों से नोचने की कोशिश करता है। फिर ऑथर ने उस बियर को एक बैग में रखा, अपने साथ बेंगलोर ले गए और अपनी वाइफ को एज अ गिफ्ट दे दिया। बेबी बियर को देख वो काफी खुश हो जाती हैं और एक रंगीन रिबन उसके नेक पे बांध देती हैं। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो कब बेबी बियर लड़का है, तो उसी वक्त उसका नाम ब्रूनो वो रख देती हैं। ब्रूनो अब बॉटल से दूध पीना सीख लिया था और फिर कुछ दिनों बाद ही उसने खाना खाना भी सीख लिया और भी कई दूसरी चीज पीना वो शुरू कर दिया। तो उसने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, मीट, करी एंड राइस, चिलीज, ब्रेड, एग, चॉकलेट्स, स्वीट्स, आइसक्रीम और कई सारे चीज खाना शुरू कर दिया था। और ड्रिंक में वो मिल्क, टी, कॉफी, लाइम जूस, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहल ड्रिंक कर लिया करता था, और ये सभी चीज उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता था। ब्रूनो ऑथर के दो एल्सेशियन डॉग्स के साथ काफी अच्छे तरीके से घुल मिल गया था। उन बच्चों के साथ भी घुल मिल गया था जो एज अ रेंटर किराएदार उनके घर पे रह रहे थे। जब तक वो छोटा था उसे फ्री छोड़ दिया जाता था, वो सारा टाइम खेलता रहता था, कभी किचन में भागता तो कभी कभी बेड पे जाके सो जाता, पूरा दिन उसका ऐसे ही बीत जाया करता था। लेकिन एक बार एक इंसिडेंट हो गया, ऑथर ने चूहे मारने के लिए पॉइजन अपने लाइब्रेरी में रख दिए थे। ब्रूनो लाइब्रेरी में आ जाता है और कुछ पॉइजन खा लेता है और उसका बॉडी एकदम से वर्क करना बंद कर देता है। लेकिन फिर भी वो अपने आप को घसीटता हुआ ऑथर के वाइफ के पास जाता है। फिर वो ऑथर को आवाज देती हैं और बुलाती हैं। अपनी वाइफ के घबराहट भरी आवाज को सुनते ही ऑथर को यह एहसास हो गया था कि आखिर बात क्या है। फिर वो ब्रूनो को लेके वेटरिनरी डॉक्टर, जानवरों के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने पूछा, कौन सा पॉइजन आपने बताया सर? तो ऑथर कहते हैं, बेरियम कार्बोनेट। तो ये सुन डॉक्टर कहता है, ओह, इसके सिम्टम पैरालिसिस है, और तुरंत एक मेडिसिन और इंजेक्शन लाते हैं। ब्रूनो की ताकत खत्म होता जा रहा था, उसे वॉमिटिंग, ब्लीडिंग, कफिंग ज्यादा हो रहा था। फिर डॉक्टर ने कहा, सब लोग इसे यानी ब्रूनो को पकड़ो और 10 cc एंटीडोट
उसके बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं बिना एक भी बूंद वेस्ट किए। 10 मिनट बाद भी सिचुएशन अच्छा नहीं हुआ तो फिर से 10 cc एंटीडोट वापस से ब्रूनो को दे दिया जाता है। और फिर 10 मिनट बाद अब ब्रूनो अपना आर्म्स और लेग मूव करने लगता है, लेकिन अभी भी वो ठीक से स्टैंड नहीं हो पा रहा था। आधे घंटे बाद ब्रूनो ठीक से खड़ा हो पाया, तब जाके ब्रूनो ने काफी सारा खाना खाया। ब्रूनो खाना खाते हुए ऑथर की तरफ देखता है, मानो ये कह रहा हो कि बैरियम कार्बोनेट इतनी बिग बियर के लिए क्या जरूरत थी रखने के लिए। अब दूसरी टाइम की बात है, एक बार ऑथर ने अपने इंजन से 1 गैलन इंजन ऑयल निकाला था अपने गाड़ी स्टड बेकर से, ताकि अगर कभी दीमक लगने लगे तो वो उसे मारने में काम आएंगे। लेकिन ब्रूनो सारा का सारा ऑयल पी गया, लेकिन इस चीज से उसे मतलब ब्रूनो के बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ जितना कि पॉइजन खाने से हुआ था। कई महीने गुजर चुके थे और ब्रूनो अब काफ़ी बड़ा हो गया था, लेकिन आज भी वो उतना ही शरारती है जितना पहले छोटा में वो हुआ करता था। वो सबका दुलारा था, चहीता था। ऑथर की वाइफ और ब्रूनो दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा लव करते थे। उनकी वाइफ ने ब्रूनो का नाम चेंज कर बाबा रख दिया, जो एक इंडियन हिंदुस्तानी वर्ड था जो एक छोटे से बच्चे को बोला जाता है। अगर ब्रूनो को बोला जाए कि वेयर इज द गन, देन वो तुरंत एक स्टिक पॉइंट कर दिया करता था। और अगर उससे पूछा जाए बाबा वेयर इज द बेबी, तो वो अपने बेड पे जाके एक छोटी सी स्टिक लाता था, क्योंकि वो उस स्टिक को बेबी मानता था। लेकिन जो टीनेंट की राजदार के जो बच्चे थे उनकी वजह से ब्रूनो को बांध के रखना पड़ता था। फिर एक बार सभी लोगों ने ये सलाह दिया, ये एडवाइस किया कि ब्रूनो को मैसूर के जो जू है वहाँ पे दे देना चाहिए, क्योंकि वो अब इतना बड़ा हो चुका है कि अब उसे घर में रखना ठीक नहीं है। फिर लास्टली ऑथर की वाइफ भी मान जाती हैं काफ़ी मनाने के बाद। और इससे पहले कि उनकी वाइफ की माइंड फिर से चेंज होता, एक लेटर जू के अधिकारी को तुरंत लिख दिया गया कि क्या उन्हें जू में एक पालतू भालू की जरूरत है, तो जवाब आया हाँ। और मैसूर के जू से एक लॉरी आता है जिसमें एक पिंजरा होता है और ब्रूनो को उसमें पैक कर दिया जाता है, जो 87 किलोमीटर दूर था वो जू। ब्रूनो के जाने के बाद वो लोग सभी लोग उदास थे, लेकिन दूसरी ही तरफ उन्हें काफ़ी हद तक शांति भी मिला था। लेकिन ऑथर की वाइफ को मनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, वो रोए जा रही थी कुछ दिनों तक, तो खाना तक नहीं खाई। फिर उसने जू के अधिकारी को लेटर पे लेटर लिखना शुरू कर दिया, आस्किंग हाउ इज बाबा, तो रिप्लाई भी आता है वो तो अच्छा है लेकिन वो खाना नहीं खा रहा, काफ़ी परेशान है, अपसेट है। फिर एक बार कुछ फ्रेंड्स जो मैसूर आए थे उन लोगों ने बाबा को देखने के लिए गए, तो देखा कि बाबा काफ़ी पतला हो चुका था, वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। ऑथर किसी तरह 3 मंथ तक अपनी वाइफ को बाबा को विजिट करने से रोक रखने में सफल थे। फिर वो एक दिन ऑथर से कहती हैं, या तो आप मुझे कार से ले जाओ बाबा के पास, या फिर वो खुद बस से चली जाएगी। लास्टली ऑथर ने अपनी वाइफ को कार से ले गए बाबा से मिलाने के लिए। उनके दोस्तों को विश्वास था कि बाबा ऑथर की वाइफ को पहचान नहीं पाएगा इतने दिनों बाद, और ऑथर ने भी ऐसा ही सोचा था। लेकिन बाबा ने देखते ही पहचान लिया और खुशी से चिल्लाने लगा। वो दौड़कर बाबा के पास गई, उसे दुलारा। अगले 3 घंटे तक वो ब्रूनो के केज के पास ही बैठी रही और काफ़ी कुछ खाने के लिए भी दिया। तभी जू को बंद करने का टाइम हो गया और उन्हें जाना पड़ा। फिर वापस से दोनों रोने लगे जोर जोर से, और ये देख जू के अधिकारी भी थोड़े डिप्रेस्ड हो गए। ऑथर की वाइफ जू के अधिकारी से कहती हैं, प्लीज सर क्या मैं बाबा को वापस ले जा सकती हूँ, तो वो कहते हैं कि मैम अब ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और अब मैं इसे आपको नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ अगर मेरे बॉस जो बेंगलोर में सुपरिटेंडेंट हैं वो मान जाते हैं तो आप ब्रूनो को वापस ले जा सकती हैं। अब वो लोग बेंगलोर सुपरिटेंडेंट के पास जाते हैं और वो रुती हुई ये रिक्वेस्ट करती हैं और कहा कि वो और ब्रूनो दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, सैड हैं, क्या आप मुझे वापस मेरे ब्रूनो को लौटा सकते हैं। सुपरिटेंडेंट अच्छा दिल का इंसान था और वो मान जाता है और लेटर भी जू के अधिकारी को लिखते हैं कि एक केज भी उनके साथ भेज दिया जाए। वो वापस मैसूर गए, लेटर दिया और बाबा को ले गए अपने घर। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो देखा कि कुछ काम चल रहा है
और वो ये था कि बाबा के लिए एक स्पेशल आइलैंड बनाया जा रहा था जो 20 फीट लॉन्ग और 50 फीट वाइड था। चारों तरफ सूखा गड्ढा था जो 6 फीट वाइड और 7 फीट डीप था। कुछ स्ट्रॉ रख दिए गए थे ताकि ब्रूनो को वो गर्म रख सके। फिर ब्रूनो का गन और वुडन बेबी को रख दिया गया जिसके साथ वो खेला करता था। ब्रूनो ये सब देख काफी खुश हो गया। अब वो 15 मंथ का हो चुका था और काफी हैवी भी हो चुका था। ऑथर ने एक रोप मैंगो ट्री पे बांध दिया था, एक एंड पे लूप बना दिया था जिसके सहारे उनकी वाइफ ब्रूनो के पास वो 6 फीट गड्ढा को पार कर आया और जाया करती थी। अब क्या कोई कुछ कह सकता है इस बियर के बारे में कि कोई इस बियर की जो मेमोरी है वो नहीं होता, अफेक्शन नहीं होता या फिर कोई क्वालिटी उनके अंदर अपना कोई गुण नहीं होता। सो स्टूडेंट, दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आने के साथ साथ पसंद भी आया होगा।